अगर आपको अपने फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करनी है या आपको अपने फोन के अंदर डुअल स्क्रीन करनी है तो कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको जरूरत रहती है अपने फोन के अंदर जब आपको डुअल स्क्रीन करके यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन के अंदर डुअल स्क्रीन बना के यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको डुअल स्क्रीन करने के लिए सबसे पहले जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल ऑन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है कन्वीनियंस टूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल कर देंगे, यहाँ से आप इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाना है स्वाइप विद थ्री फिंगर टू इनेबल स्प्लिट स्क्रीन। तो चलिए अब हम आपको चेक करा देते हैं अपनी स्प्लिट स्क्रीन कैसे आपको इनेबल करनी है। जैसे मान लो हम कभी सेटिंग्स में हैं, अब आपको अपनी स्प्लिट स्क्रीन यूज करनी है तो कैसे करेंगे। तो आपकी जो होम स्क्रीन डिस्प्ले है इस पर आपको थ्री फिंगर से स्वाइप अप करना है ऊपर के लिए। इस प्रकार से जैसे ही आप स्वाइप अप करेंगे अब नीचे आप कोई भी अपना एक अदर एप्लीकेशन खोल सकती है। जैसे कि यहाँ से हमने अपना स्नैपचैट खोल दिया, सॉरी स्नैपचैट में ये अवेलेबल नहीं होगी। जैसे हमने व्हाट्सअप खोल लिया, अपना स्प्लिट स्क्रीन इनेबल कर दी। व्हाट्सअप खोलने के बाद यहाँ से आपको जैसे कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लेना है अपना हमें। जैसे हमने अपना अमेजोन खोल दिया है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं अमेजोन अपने यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ऊपर से हमारा व्हाट्सअप भी चल रहा है। अगर आप इसी प्रकार से आपको कोई अदर एप्लीकेशन खोलना है यहाँ से तो यहाँ से सिंपली आप बैक कर सकते हैं। अब आप केवल अमेजोन पे आ गए, सिंपली आपको फिर से स्वाइप अप कर देना है ऊपर के लिए। यहाँ से आपको जैसे और कोई एप्लीकेशन खोल लेना है अपना, यहाँ से हमने जैसे एम मैक्स प्लेयर खोल लिया, यहाँ से एम एक्स प्लेयर खोल दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से हमारी दोनों चीज़ ओपन हो रही है। तो इस पर जैसे बोलते हैं हम डुअल स्क्रीन। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल स्क्रीन यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।